अरे वाह, दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, कौन कौन आ चुका है? जल्दी से बताओ कौन कौन आ चुका है। हाय हेलो करते रहो। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया। हेलो दीदी, हेलो दीदी, हेलो दीदी, हेलो दीदी, कैसे हो? भाई और जो जो आ चुकी हैं कमेंट कीजिए ताकि पता चल जाए मुझे कौन कौन आ चुका है। शशांक जी आए हैं। हेलो भाई, अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये है हाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि उस दिन प्रॉब्लम आई, वाईफाई का प्रॉब्लम था, नेट फिक्स नहीं था उस दिन। और इस प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा मतलब इसको सुधारने की कोशिश करी है। मैंने वाईफाई से पहले बात भी करी कि कैसे कैसे नेट भाग जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया उससे। अब शायद नहीं होगा। हाँ भावेश जी, तनीषा जी हेलो। हाँ आवाज़ कम आ रही है। हेलो हेलो, आवाज़ सही है? आवाज़ क्लियर है तरीके से? चिल्लाऊं क्या थोड़ा सा और? हेलो हेलो, जो जो आ चुके हैं क्लास लेने फटाफट से हाय हेलो करते रहे ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन कौन आ चुका है और मैं इंटरेक्ट कर सकूं सभी बच्चों से, जैसे खुशी से किया, तनिषा से किया। ठीक है, तो मुझे हाय हेलो करते रहें जो जो स्टूडेंट आ चुके हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे और उसी तरह मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेंट्रल बैंक के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हर एक टॉपिक को। ठीक है, ठीक, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे आज। मतलब देखेंगे अगर क्लास लंबी चली जाती है तो मैं बीच में ही रोक दूंगा। टॉपिक को हम आगे भी क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको लंबा खींचें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर टॉपिक ज़्यादा लंबा खींचता है तो नहीं खींचेंगे, बीच में रोक देंगे, नेक्स्ट क्लास में से क्लियर कर लेंगे। हाय हेलो दीदी, हेलो मनीषा दीदी। अच्छा लिंक शेयर कर दो और वीडियो लाइक कर दो फिर सभी फटाफट से। ठीक, हेलो 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 भाई, हेलो हेलो। जल्दी जल्दी से आ जाओ। और आज मैं लास्ट में एक सरप्राइज भी दूंगा आपको, एक सरप्राइज है, छोटा सरप्राइज, छोटा सा। आप 4-5 तक रुकेंगे, बस 4-5 तक ना, 4-5 तक रुकेंगे। अभी 4-3 हो चुके हैं, 2 मिनट और रखेंगे। उसके बाद हम अपना ब्यूटीफुल सा जो टॉपिक है वो सुंदर सा, वो क्या है, सेंट्रल बैंक, उसके बारे में आज क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। उस दिन मैंने कर दिया था स्टार्ट बट नहीं, वो प्रॉब्लम आई उसमें बहुत ज़्यादा, बट मैं दोबारा से कराऊंगा इसको। ठीक है, दोबारा से कराऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो जो आ चुके हैं हाय हेलो करते रहें। और वो कामना करें कि लॉकडाउन जल्दी से खुले, सब कुछ बढ़िया हो जाए, हमारा ट्यूशन खुल जाए फटाफट से, बस यही आशा है। देखो दीदी पूछ रही है कोचिंग कब खुलेगा। बिल्कुल बहुत जल्दी खुलेगा, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो बहुत जल्दी खुलेगा। तो चाहते ही हैं जल्दी खुले, बट ऐसे नहीं कि हम। अच्छा कोचिंग गंदा हो गया, अच्छा आप उधर गए होंगे उस तरफ, कोई नहीं सफाई कर देंगे यार, करवा देंगे अच्छी सफाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से चमका देंगे हम अपना ट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा चलिए टाइम हो चुका है, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे। जो आ चुकी हैं कमेंट करते रहें फटाफट ताकि हमें इंटरेक्ट कर सकूं, हर बच्चे से बात कर सकूं। जो आ चुकी हैं, बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है आज। मैं क्लास लंबी नहीं करूंगा, मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ इतना ही आज कराना चाहिए मैं वहीं पे रोक दूंगा, और प्रॉमिस है कि लंबी क्लास नहीं रखूंगा मैं बिल्कुल भी। अगर टॉपिक लंबा जा रहा है तब भी मैं टॉपिक को खींचूंगा नहीं, ठीक है। फिर आगे से हम क्लियर करेंगे आगे से। चलिए विशाल आ चुका है, विशाल राधे 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 राधे। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हो गया 4-5 हो गए हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है आज हमारा, कौन सा है? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में हमने सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, कमर्शियल बैंक के बारे में सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। सब कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन और मनी क्रिएशन, ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हैं। उस पर जो मेन टॉपिक थे जो एग्जाम में आते हैं वो है आपका मनी क्रिएशन, जो अच्छे से कराया था, बिल्कुल तरीके से कराया था, जिसमें मनी बैंक जो है वो पैसे से पैसा बनाता है। उसके बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो सेंट्रल बैंक पिछले क्लास में, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, हम बीच में ही नेट खत्म बंद हो गया था जिससे क्लास वहीं रोकनी पड़ी मुझे। चलिए तो उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। वो क्या है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? अगर मैं देहाती लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं कहूँगा ये बाप है सभी बैंक का। मतलब वो गाना नहीं सुना आपने, वो बाप आया वाला जो गाना चल रहा है वो बीच में करीम नाती के लिए, तो वही पॉइंट आता है कि सेंट्रल बैंक क्या है? एक बाप है। किसका बाप है? सारे बैंक का। ये कौन है? ये है पिताजी, ठीक है, बाप। शायद हिंदी में गलत लिख दिया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल बैंक। अच्छा, सेंट्रल बैंक आपको पता है, सबको पता है, सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, वैसे और भी इसके ब्रांचेस हैं जैसे कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, ठीक है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं लेकिन हेड ऑफिस का है दिल्ली में है। बात आ जाती है सेंट्रल बैंक क्या काम करता है। सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो सारे फाइनेंशियल सिस्टम को, ध्यान समझना, सारे फाइनेंशियल सिस्टम को। ऐना आ चुकी है, ऐना हेलो। चलिए तो जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है हमारे इकोनॉमी में जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बैंक है, इन सबको रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, सुपरवाइज करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सुपरवाइज करते हैं ना, हमें रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसी तरह सेंट्रल बैंक अपने बेटे मतलब अपने सभी जो बैंक हैं या फिर नॉन बैंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन बैंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियली तो काम करते हैं लेकिन वो बैंक नहीं है, जैसे LIC, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, बिरला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब क्या है? ये बैंक नहीं है लेकिन ये फाइनेंशियल वर्क करती है, मतलब पैसे का लोन देना, ठीक है। कोई चीज आप किस्त पे ले रहे हो तो बजाज कंपनी से बजाज कार्ड करवा के आप कोई चीज किस्त पे ले सकते हो। ये क्या कर रहे हैं? पैसे का लेन देन कर रहे हैं लेकिन ये बैंक नहीं है। मैंने कहा कि बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक सब पर कंट्रोल करता है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या फिर वो नॉन बैंकिंग सिस्टम हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब पे कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। मानसी आ गई है, मानसी हेलो दीदी। चलिए तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड सुपरवाइज करता है सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को। सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कौन कौन से आ जाते हैं? सारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बैंकिंग सिस्टम भी और आपके नॉन बैंकिंग सिस्टम जो हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है अलग से, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलें तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये बस, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन करेंगे और फंक्शन में काफी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको बड़ा मजा आने वाला है इसके फंक्शन में। चलें कंचन भी आ चुकी है, बहुत बढ़िया, हेलो दीदी। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है इन अ बैंकिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, जितने भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इन सब का जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो इन सभी पे बैंकिंग सिस्टम और जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैं इन सबका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। क्लियर? इट इज अ लीडर ऑफ द मनी मार्केट, इट सुपरवाइज, मैंने बताया था मनी मार्केट का ये लीड करता है, लीडर जिसे कहते हैं जो लीड करता हो। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट का मतलब वो है जहाँ से फाइनेंशियल मतलब पैसे का लेन देन ज्यादातर होता है, जैसे बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे LIC, मुथूट फाइनेंस, ये सब क्या है? ये मनी मार्केट है। मनी मार्केट को कौन लीड करता है? RBI। इसे क्या बोला गया? लीडर बोला गया, ठीक है। ये क्या है? एक लीडर है, लीडर है किस चीज का? मनी मार्केट का। इट सुपरवाइज, ये सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है, किसको? द होल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को और पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ये रेगुलेट करता है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम और पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है, क्योंकि ये मनी मार्केट का क्या है? लीडर है। मनी मार्केट का क्या है? लीडर है। अच्छा, तो कैसे? आपको डिमोनेटाइजेशन याद है? डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे इंडिया में जब मोदी जी ने बोला था, तो उस टाइम पे क्या होता था, आपको अगर याद हो तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके जस्ट एक दिन बाद जब नई करेंसी आनी शुरू हुई मार्केट में, मतलब बैंकों में जब नई करेंसी आनी शुरू हो गई तो बैंक ने क्या बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ 4000 या फिर 6000 रुपये ही दिन का निकाल सकते हैं नई करेंसी को। ये चीज भी किसने डिसाइड करी? सेंट्रल बैंक ने, मतलब RBI ने डिसाइड किया कि हमें, आप सभी बैंक को, इन सभी बैंक को बोला गया कि आप अपने कस्टमर को 4000 से रुपये ज़्यादा दे नहीं सकते नई करेंसी। तो ये बता तो रहा हूँ कि सारे बैंक के जितने भी चीज़ें हैं, कुछ भी करना हो, सब कुछ कौन बताता है? सेंट्रल बैंक बताता है, RBI बताता है सारे बैंक के बारे में, ठीक है, कि उन्हें कितना इंटरेस्ट लेना है, उनको कितना इंटरेस्ट देना है, सब कुछ डिसाइड कौन करता है? RBI करता है, सभी बैंकिंग के बारे में और सभी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने बजाज फाइनेंस से लोन लेना चाहते हो, बजाज फाइनेंस बैंक नहीं है, बजाज फाइनेंस एक फाइनेंशियल सिस्टम है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप लोन ले सकते हो, वो एक बैंक नहीं है, वहाँ से आपको लोन लेना है। अब बजाज फाइनेंस आपको कितना परसेंट पे लोन दे रहे हैं वो परसेंट भी कौन डिसाइड करेगा? बैंक डिसाइड करेगा, वो भी कौन सा बैंक? RBI, सेंट्रल बैंक। क्लियर? तो ये चीज क्या है, सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग सिस्टम को और जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रेगुलेट, ऑपरेट और कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है हमारे पूरे के पूरे इंडिया में। क्लियर? जल्दी से बताइए कि आपको सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। फिर मैं आज उसके फिर थोड़ी सी हिस्ट्री, बस 1 मिनट की हिस्ट्री है, बस 1 मिनट की, उसके बाद मैं इसके पूरे पूरे फंक्शन को क्लियर करूंगा, फंक्शन को, ठीक है। फटाफट से मुझे बताइए क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, इसकी डेफिनेशन, फिर इसके थोड़ी सी हम हिस्ट्री क्लियर करेंगे फटाफट से। देखिए, तो बात आ जाती है क्या हिस्ट्री की, मतलब RBI का जन्म कैसे हुआ। RBI का मुस्कान दीदी के, मुस्कान मतलब मानसी दीदी कह रही है, हाँ दीदी आ गया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को आ चुका है, बहुत बढ़िया, सभी हाँ कर रहे हैं। चलिए, तो बात आती है कि RBI का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब भी तो हमें जाना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि RBI अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको कमर्शियल बैंक के बारे में बताया था कि कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहला बैंक कौन सा आया था, उसके मैंने आपको एक इंट्रो में आपको डेट बताई थी। ये सब एग्जाम में आता नहीं है लेकिन आपको नॉलेज में होना जरूरी है, ठीक है, कि डेट, सबसे पहले बैंक कौन सा आया था, किस साल में आया था, इस सब का जानकारी होना आपको बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ये जानना बहुत जरूरी है। हम जरूरी नहीं कि हम सिर्फ सिलेबस ही पढ़ें, हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट का, बस 1 मिनट का हिस्ट्री है, क्या है वो कि जो RBI है ना, RBI क्या हुआ था उस टाइम पे, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, मतलब जो हमारे जो फॉरेन कंट्री के जो सरकार होती थी, मतलब जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ध्यान समझना, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1947 से जो पहले यहाँ पे थी, उनकी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने भी बैंक आ चुके हैं, मतलब जो कमर्शियल बैंक आ चुके थे ना उस टाइम पे, बहुत सारे बैंक आ चुके थे, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बहुत सारे बैंक आ चुके थे जो अपने आप में ही अपने मजे ले रहे थे। मतलब कि जो लोन देना है वो कितने परसेंट पे लोन देना है, जो पब्लिक वहां पे डिपॉजिट कर रही है पैसे उनको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, मतलब वो सब कुछ अपने तरफ से ही कर रहे थे। हर बैंक अपना ही खुद डिसाइड कर रही थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक सेकेंड, हमारे पास एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो क्या करे, एक सेकेंड, जो क्या करे, इन सबको ऑपरेट करे, कंट्रोल करे, सुपरवाइज करे। मतलब इन सब के बारे में एक तरीके से अपनी पूरी जानकारी, इनकी पूरी जानकारी अपने पास रखे, ये क्या कर रहे हैं, मतलब सारे कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर एक चीज की जानकारी किसके पास होनी चाहिए, आरबीआई के पास होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया जो क्या करेगा, इन सभी कमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने से पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन जब बनता है या कोई भी चीज बनती है उससे पहले उसका कानून बनता है। तो हम उस कानून की बात करेंगे। सबसे पहले 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, मतलब आरबीआई का एक कानून पास हुआ, ठीक है, आरबीआई का एक कानून पास हुआ कब, 1934 में। 1934 में ये चीज याद रखना, 1934 में कानून पास हुआ, आरबीआई नहीं आया था उस टाइम पे, आरबीआई का सिर्फ एक कानून पास हुआ, एक लॉ पास हुआ, ठीक है, एक्ट पास हुआ कब, 1934 है। मतलब उस 1934 में ये मान लिया गया कि हाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आना चाहिए, एक ऐसा बैंक आना चाहिए जो इन सभी बैंकों पर रेगुलेट कंट्रोल करे, ठीक है। तो उसी के बाद एक साल बाद, देखो एक साल बाद 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना 1 अप्रैल को, उसी दिन 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को लॉन्च कर दिया गया। आरबीआई का जो गठन है, उस संगठन है, उसको लॉन्च कर दिया गया। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई के बारे में आपको ऊपर पढ़ा था। आरबीआई एक ऐसा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो सबको कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, सुपरवाइज करती है। कब आया ये, पहले ये पढ़ेंगे कि इसका कानून कब आया। कानून आया 1934 में, ठीक है, एक्ट पास हुआ, उसके बाद ये आरबीआई आता है कब, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। ये चीज आ सकती है एमसीक्यू में, ये चीज आ सकती है कि आरबीआई कब आया था, ठीक है, आरबीआई इंडिया में कब आया, ठीक है, आया नहीं है वो, उसको बनाया गया था, ठीक है, ऐसा नहीं है आया था खुद से चल चल के। तो 1 अप्रैल 1935 में आप इसे कह सकते हैं। अगर ये पूछता है कि आरबीआई का एक्ट कब आया था तो आप 1934 बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो छोटी मोटी बातें थी, मैंने बताया था 1-2 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा इसको। चलिए, अब मेन जो बातें हैं वो ये है, क्या है वो, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है, देखो जिस तरह हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़े थे ना, एक सेकेंड, जिस तरह हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़े थे उसी तरह हमें क्या करना है, उसी तरह हमें सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है, उसी तरह हमें सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ने हैं। अच्छा, मुझे ना कमेंट में बताओ जरा कमर्शियल बैंक के कितने फंक्शन थे, कमर्शियल बैंक के कितने फंक्शन थे, मुझे कमेंट में बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से बताओ कमर्शियल बैंक के कितने फंक्शन थे। और हो सके हाँ जी, देखो तो प्राइमरी फंक्शन में क्या रखता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट और क्या था, एडवांसिंग ऑफ लोन, ये सब रखा गया प्राइमरी फंक्शन में। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन भी थे उसके बहुत सारे, ठीक है, आपका लोन मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रैवलर चेक, इन सभी के बारे में हमने उसमें क्लियर कर लिया था। बात आती है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की, मतलब सेंट्रल बैंक में क्या है वो बताओ भैया, वो बताओ सेंट्रल बैंक में ऐसा क्या है। चलिए बात करते हैं सेंट्रल बैंक में फंक्शन ऐसे कौन से, मतलब सेंट्रल बैंक का काम क्या है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। चलिए धीरे धीरे हम सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे तरीके से, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपके सामने क्या है, सबसे पहले आपके सामने क्या है, करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी, देखो मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी थोड़ी झलक दे देता हूँ, सबके बारे में थोड़ी झलक दे रहा हूँ, उसके बाद हम हर एक पॉइंट को उठाएंगे और डीपली चूज के पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। बस अभी क्या करना है, अभी सिर्फ ऊपर से आपको झलक देनी है कि हर एक पॉइंट क्या कहता है। जैसे ये पहला पॉइंट क्या है, करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी, देखो ये एक फंक्शन है आरबीआई का, मतलब सेंट्रल बैंक के हम फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है ये, कौन सा, करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि करेंसी को छापना, मतलब हमारे इंडिया में जो करेंसी रेगुलेट हो रही है, जो भी रूल में है ना, जो भी रेगुलेट चल रही है हमारे इंडिया में करेंसी, उसका अथॉरिटी कौन ले रहा है? उसका अथॉरिटी आरबीआई लेता है, सेंट्रल बैंक लेता है। देखो जितने भी नोट छप रहे हैं वो कौन छापता है? जितने भी नोट छप रहे हैं अभी उसे कौन छापता है? कहाँ से आते हैं? वो आरबीआई से आते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ही क्या है? करेंसी अथॉरिटी है। इतना मैं कहा था ना, इसके सिर्फ आपको झलक दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे आगे जाके और हर इसके टॉपिक में मतलब बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए क्या कि करेंसी अथॉरिटी का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जो करेंसी का जो अथॉरिटी है वो कौन है? आरबीआई है। आरबीआई ही पैसा छापती है, आरबीआई ही कितना पैसा मार्केट में जाएगा, सब कुछ, कितना पैसा छापना है, कितना नहीं छापना है, सब कुछ इसके ऊपर है, आरबीआई के ऊपर है। क्लियर। दूसरा काम क्या है बैंक का? सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई का दूसरा काम क्या है? देखो क्या लिखा है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो अच्छा, हमें अगर पैसे जमा करने हो तो हम कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक में। अगर हमें पैसे विड्रॉ करने हैं तो हमें कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक में। मतलब अपने जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। तो हमें अगर पैसे डिपॉजिट करने हैं तो हम कमर्शियल बैंक जाते हैं। उसी तरह जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, मतलब मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो अलग अलग स्टेट में जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे जो यूपी में कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? यूपी में चल रही है आपकी बीजेपी सरकार, मतलब कौन सी? योगी आदित्यनाथ। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो मतलब यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट हो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों गवर्नमेंट के बैंक कौन से हैं? इन दोनों गवर्नमेंट के कौन से बैंक है? सेंट्रल बैंक है। मतलब इनको अगर कोई पैसा डिपॉजिट करना हो तो ये सेंट्रल बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर इनको कोई पैसा निकालना हो तो ये सेंट्रल बैंक से ही पैसा निकालते हैं, कमर्शियल बैंक को नहीं देखते। ठीक है, मतलब पब्लिक कमर्शियल बैंक में डील करती है, मतलब हम सब पब्लिक कमर्शियल बैंक से डील करते हैं। अगर कोई पैसा डिपॉजिट करना हो तो हम कमर्शियल बैंक जाते हैं, निकालना हो तो कमर्शियल बैंक जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं अपने सेंट्रल बैंक में, आरबीआई के पास। क्लियर। देखो इसके बारे में पूरी डीपली और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, बस ऊपर झलक देना दिखला जा। देखो उसके बाद क्या है? बैंकर्स बैंक। अच्छा मतलब जितने भी छोटे मोटे बैंक है ना, छोटे मोटे तो नहीं है, सारे बड़े ही बैंक है, जैसे आपका स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। ये इनका बैंक कौन सा है? इन सबका भी बैंक कौन सा है? इनका बैंक है क्या? आपके सेंट्रल बैंक। ये क्वेश्चन है, पूछो जल्दी, पूछो दीदी जल्दी, पूछो खुशी दीदी जल्दी पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका? इतने मैं आपको कराता हूँ। बैंकर्स बैंक क्या है? मतलब इन सभी बैंक के बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। देखो अगर मैं इन छोटे छोटे बैंक की बात करूं तो इनको भी ना कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे इन सभी बैंक की अगर मैं बात करूं, स्टेट बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की, जितने भी बैंक हैं कमर्शियल बैंक, इन सबको भी पैसे की जरूरत पड़ती है और ये भी अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो ये कहाँ करते हैं? सेंट्रल बैंक में करते हैं। सेंट्रल बैंक में ये अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और सेंट्रल बैंक से ही पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आरबीआई में ये अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और आरबीआई से पैसा ये निकाल सकते हैं। कौन? इस सारे बैंक। मतलब जिस तरह हमारे लिए कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक के लिए उनका बैंक कौन सा है? आरबीआई। हम लोगों के लिए हमारा बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक है। मतलब ये सारे बैंक हमारे लिए बैंक हैं। उसी तरह इन सभी बैंकों के बैंक कौन है? इन सभी बैंकों के बैंक कौन है? उनके पिताजी मतलब आरबीआई। ठीक है। हेलो आवाज आ रही मेरी? हेलो। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट पे शुरू करना है। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, नेट की, वाईफाई की प्रॉब्लम फेस हो रही है। बट आप ना कहीं जाइएगा मत ना, मैं तुरंत इसको सॉल्व आउट कर देता हूँ। अगर ये सॉल्व आउट नहीं हुई, अगर 3 मिनट के अंदर ये सॉल्व आउट नहीं होती तो समझिएगा कि क्लास ऑफ हो गई है। वैसे पता नहीं आज भी क्यों हो रहा है। ठीक है, आज ही पता नहीं क्यों हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इसको कंटिन्यू कि क्या है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर, अच्छा खुशी दीदी आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, अब कहते हैं हम क्वेश्चन एक पूछा नहीं आपने। पूछते रहो, बताता रहूंगा जल्दी से फटाफट से। चलिए, करेंसी अथॉरिटी का मतलब समझ में आ गया भैया। बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब जितने भी गवर्नमेंट है उनका बैंक कौन सा है, आरबीआई है। बैंकर बैंक में समझ में आ गया क्या कि जिस तरह हम लोगों का बैंक कमर्शियल बैंक होता है तो कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है, आरबीआई है। मतलब कमर्शियल बैंक पैसा डिपॉजिट करते हैं, बिल्कुल कमर्शियल बैंक भी अपना पैसा डिपॉजिट कहाँ करते हैं, आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। क्या कमर्शियल बैंक पैसा निकालती भी है, बिल्कुल कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा निकाल भी सकती है, इसलिए कहा जाता है बैंकर्स बैंक। मतलब इन सभी बैंक के बैंक कौन है, आरबीआई है। ठीक है, क्या पूछा खुशी दीदी ने, भैया एक क्वेश्चन है, क्या पूछा, कुछ पूछा ही नहीं आपने। हाँ जी, चलो 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 ठीक है। देखो फिर आता है लास्ट, हमारा लास्ट नहीं है, देखो क्या लिखा है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आखिर ये है क्या, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ध्यान समझना इस चीज को। देखिए अगर कोई कमर्शियल बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक ले लेते हैं, ठीक है, इंडियन बैंक एक कमर्शियल बैंक है। इंडियन बैंक को कुछ क्राइसिस का फेस करना पड़ रहा है, मतलब उसके पास रिसेंटली, मतलब मान लो कोई पैसा उधार, मतलब विड्रॉ लेने आ गए, ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बहुत रेयर केस में होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ये है क्या, देखिए एक कोई बैंक है, मान लीजिए इंडियन बैंक। इंडियन बैंक कुछ क्राइसिस फेस कर रहे हैं। क्राइसिस का मतलब ये है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी हैं, मतलब उनके पास पैसा नहीं है अपने पब्लिक को देने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है। कैसे, ऐसा कैसे हुआ कि उनका पैसा नहीं है, क्या पता उन्होंने जो उनके पास जो डिपॉजिट किए गए थे पैसे, उनके पास जो पैसे डिपॉजिट किए गए थे उनके लोगों ने, उनके कंज्यूमर ने, उनके जो डिपॉजिट किए थे उन्होंने पैसे उनके बैंक में, उन्होंने ना ज्यादा अमाउंट किसको दे दिया, लोन की तरफ दे दिया, या फिर खर्च कर दिया, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक, अब मान लो कोई बहुत सारे लोग आ जाते हैं उनसे मतलब विड्रॉ लेने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए वहां पे बैंक में आ जाते हैं। अब बैंक के पास उस टाइम पे पैसा है नहीं देने के लिए, मतलब क्या कर रहे हैं बैंक ने कहा कि अच्छा आप पैसे लेने आए हो, अपने पैसे लेने आए हो, ठीक है, अच्छा रुकिए 2 मिनट रुकिए, हमारे पास अभी है नहीं, पर हाँ हम आपको 1-2 घंटे में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। 1-2 घंटे का वक्त लिया, 1-2 घंटे में वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक अपने कुछ सहायक बैंक से, मतलब किसी और बैंक से, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन सब से ना कुछ पैसे लेने की योजना बनाएगा कि ये भाई हम, मतलब जो भी है, इनके कुछ डॉक्यूमेंट से ये डील करते हैं कि हमें कुछ पैसे जरूरत पड़ रही है, क्या आप हमें देंगे, लोन देंगे, शॉर्ट टर्म लोन आप हमें दे दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब इतने समय के लिए आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम अपने कस्टमर को दे सकें विड्रॉ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे सभी को, नहीं हो रहा तो मुझे फटाफट से कमेंट में बताएं कि भैया ये रुक जाओ, अभी दोबारा शुरू से बताओ एक बार। ठीक है, मैं वो पूरी कहानी बता रहा हूँ इस चीज में कि बैंक के पास जब पैसे की कमी पड़ जाती है तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने सहायक बैंक से, मतलब दूसरे किसी बैंक से कॉन्टेक्ट करता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है शॉर्ट टर्म लोन की तरह, मतलब वो पैसे लेते हैं कुछ समय के लिए वो पैसे लेते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान समझना, जब उस बैंक को, इंडियन बैंक को अगर किसी बैंक से हेल्प मिल जाती है कि उसका पैसे आ चुके हैं दूसरे किसी बैंक से, तब वो अपने कस्टमर को विड्रॉ दे सकती है। लेकिन मान लीजिए, ध्यान समझना, मान लीजिए इंडियन बैंक को किसी भी बैंक ने हेल्प नहीं किया। निशा कह रही है समझ नहीं आया, देखो वही समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लो इस चीज को कि क्या होता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर किसी बैंक के पास मनी क्राइसिस आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है अपने कस्टमर को देने के लिए, कस्टमर आ रहे हैं अपना पैसा निकालने के लिए पर उसके पास पैसे है नहीं, तो वो कुछ समय मांगती है। उस समय वो क्या करती है, किसी और बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेने की कोशिश करती है कि मैं किसी और बैंक से एक कुछ समय के लिए लोन ले लेता हूँ, कुछ पैसे ले लेता हूँ ताकि मैं बाद में उनको दे सकूँ। ठीक है, अपने कस्टमर को दे दिए, बाद में वो अपने जो भी देते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर उस बैंक को किसी भी बैंक के द्वारा हेल्प नहीं मिली, मतलब शॉर्ट टर्म लोन नहीं मिला, उसको पैसे नहीं मिले किसी भी बैंक से, तो फिर जो बैंक है वो किसके दरवाजे पे खटखटाएगा, वो खटखटाएगा आरबीआई के पास। मतलब इसलिए बोला जाता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कुछ रास्ता नहीं मिलता किसी भी बैंक को लोन लेने का, जब किसी भी बैंक को कोई रास्ता नहीं मिलता लोन लेने का, किसी भी और बैंक से पैसे नहीं मिलते, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है क्या, आरबीआई। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि भैया हाँ इतना तो पता है कि सभी कमर्शियल बैंक लोन ले सकते हैं, वही तो पॉइंट है कि सभी कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं, पहले वो कोशिश करते हैं कि किसी और बैंक से मिल जाए। मतलब मान लो इंडियन बैंक स्टेट बैंक से ले रहा है, इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक से ले रहा है, तो ये लोन ले लेते हैं आपस में ही। लेकिन जब दूसरे बैंक भी उनको हेल्प ना कर पाए तो उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि वो आरबीआई से कांटेक्ट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आरबीआई का काम क्या है, देखो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो आरबीआई का काम क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब आरबीआई ये कहता है कि जब कोई हेल्प नहीं करेगा तो मैं हूं, जब कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी तो मैं हूं, आप मेरे दरवाजे पे आ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इसको कहा जाता है क्या, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि उसको अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को कंप्लीट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के फंक्शन में इसलिए भी इसे कहा गया क्या, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। चलिए उसके बाद आ जाता है, अच्छा प्रशांत शर्मा, आरबीआई बैंकर्स बैंक, प्रशांत शर्मा, ये सारे न्यूज ट्रेंड है, पता नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि बैंकर्स बैंक क्या है। देखो अच्छा, जिनको आ चुका होता है ना वो थोड़ा सा कहते हैं यार क्या दोबारा पढ़ा रहे हैं। देखो जितनी बार इसको दिमाग में डालोगे ना, जितनी बार डालोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो जितनी बार लोगे उतना ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, हम दोबारा से कर लेते हैं बैंकर्स बैंक क्या होता है। बैंकर्स बैंक का मतलब ये है, अच्छा जब देखिए एग्जाम्पल को तो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे कोई अगर पेज हो तो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, कोई पेज है नहीं, बता देता हूँ, देखो एक सेकेंड, हम पब्लिक हैं, एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, हाँ, जाइएगा मत, मैं है ही हूँ। चलिए हम बात कर लेते हैं कि बैंकर्स बैंक क्या है। देखो एक सेकेंड बस, हाँ जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, जैसे ये है एक बंदा, ठीक है, ठीक, और ये है आरबीआई और ये है कमर्शियल बैंक। ठीक है, अच्छा एक पब्लिक, ये पब्लिक है, ये कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर को अगर पैसे डिपॉजिट करने हैं तो वो कहाँ जाता है, आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, एक कंज्यूमर को अगर आरबीआई नहीं सॉरी कमर्शियल बैंक के पास जाता है। ठीक है, एक पब्लिक को, एक कंज्यूमर को जगह अगर पैसे डिपॉजिट करने हो तो कहाँ जाता है, एक कमर्शियल बैंक के पास जाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसे निकालने हो तो भी वो कहा जाता है कमर्शियल बैंक के पास जाता है। मतलब हम सब पब्लिक के लिए जो बैंक है वो कौन सा है, कमर्शियल बैंक है। अच्छा अगर हम बात करें इन कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करते हैं, कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करते हैं और कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से वो लोन ले सकते हैं, ऐसे लोन ले सकते हैं कमर्शियल बैंक से। उसी तरह जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, आरबीआई में अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे पॉइंट दिया जाता है कि इसलिए कहा गया है कि जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो बैंकर्स का बैंक है। मतलब इन सभी बैंक का आरबीआई कौन है, बैंक है। इन सभी बैंक का आरबीआई कौन है, बैंक है। जैसे पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक बैंक होता है, उसी तरह सारे कमर्शियल बैंक के लिए बैंक कौन है, आरबीआई है। ठीक, आरबीआई में, हाँ आरबीआई में कमर्शियल बैंक पैसा डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। क्या हमने लास्ट रिजॉर्ट में पढ़ा नहीं था, लास्ट रिजॉर्ट में इसमें जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भगवान बनके कौन आता है उसके सामने, सामने आता है आरबीआई। आरबीआई कहता है कि देख तेरे पास जब कोई सामने नहीं हो, तेरी हेल्प करने जब कोई नहीं आएगा तो मैं आऊंगा तेरे सामने। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है क्या कि ये बैंकर्स ऑफ बैंक भी है और लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी है। मतलब जब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो मैं सामने आऊंगा और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, चले अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें मुझे। इन चारों में, करेंसी अथॉरिटी में, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में, बैंकर्स बैंक में और लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में। अब हम करते हैं एक और क्या, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन क्या होता है, अच्छा इसको अभी हम करते हैं, रुक जाओ अभी इसको करते हैं, पहले ये दोनों कर लेते हैं क्योंकि बहुत दो इंपॉर्टेंट है। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, रुके रहिएगा, पहले हम ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे के होते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे के। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कस्टडिंग का मतलब होता है कस्टडी करना, मतलब अपने पास रखना। देखो क्या रखना, कस्टडी को, कस्टडी मतलब अपने पास रखना। क्या रखना अपने पास? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, मतलब बाहर की करेंसी। बाहर की करेंसी का रिजर्व, बाहर की करेंसी का रिजर्व किसके पास कस्टडी में रहेगा? आरबीआई के पास। मतलब अच्छा, इसका मतलब है कि जितनी भी बाहरी करेंसी होती है, बाहरी करेंसी अगर हम कहीं से ले आते हैं तो हम जब एक्सचेंज कराते हैं ना, कि कहीं से भी हम एक्सचेंज कराएं, जैसे हम मान लीजिए मैं यूएसए गया और मैं यूएसए से आया, मेरे पास $500 थे। अब $500 तो यहाँ चलेंगे नहीं, तो मैं अपने बैंक गया, कमर्शियल बैंक में, मैं स्टेट बैंक में गया। स्टेट बैंक में जाके मैंने वो $500 को देकर मैंने इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करा लिया। ठीक है, $500 दिए उनको और मैंने इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करा लिया। वो $500 जो स्टेट बैंक है वो क्या करेगा? वो सीधा सीधा कहाँ भेज देगा? उसको कहाँ भेज देगा? कहाँ भेज देगा? आरबीआई भेज देगा, सेंट्रल बैंक भेज देगा। ठीक है, और देखिए वही बात कही जा रही है क्या, कि हमारे इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखता है वो कौन रखता है? आरबीआई रखता है। ठीक है, तो देखो हम आरबीआई के ना, हम सेंट्रल बैंक के काम पढ़ रहे हैं कि आखिर वो क्या क्या करता है। ठीक है, क्या क्या काम है उसके। करेंसी अथॉरिटी कर लिया हमने, हाँ जी हाँ, वो करेंसी अथॉरिटी करता है। गवर्नमेंट का बैंक भी वही है, सभी बैंक का बैंक भी वही है। ठीक है, अगर किसी बैंक को कोई नहीं मिलता हेल्प करने के लिए, तो वो हाँ बैंक, सेंट्रल बैंक ही हेल्प करता है। ठीक है, फिर क्या है कि हाँ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब सारे कंट्री की जो रिजर्व हैं, सारे कंट्री के जो फॉरेन करेंसी हैं, सारे कंट्री की जो फॉरेन करेंसी हैं, जैसे डॉलर, यान, ठीक है, पाउंड, इस सब कुछ जो दूसरे कंट्री की करेंसी है, उन सब का कस्टडी कौन रखता है? कौन रखता है? आरबीआई रखता है। ठीक है, आरबीआई ही रखता है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्लियर? चले, मतलब दूसरे कंट्री की जितनी भी करेंसी हैं, जो दूसरे कंट्री के जितने भी करेंसी हैं, अगर वो इंडिया में आ रहे हैं तो उसे, उसको कौन कस्टडी कर लेगा? उसे कर लेगा आरबीआई। आरबीआई उसको कस्टडी कर लेता है। चले, बहुत सही। फिर आती है बात कंट्रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इसका मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इसका मतलब क्या है? देखो हमारे इकोनॉमी में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, ठीक है, कितना पैसा सप्लाई हो, कितना पैसा सप्लाई ना हो, इन सब पर भी कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई करेगा। अच्छा, ऐसा भी है कि अगर ज्यादा पैसा आ गया तो क्या बुरा है हमारे इंडिया, हमारे समाज, मतलब हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए? जी हाँ, अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो भी इकोनॉमी के लिए बेकार है, अगर कम पैसा रहे तो भी इकोनॉमी के लिए बेकार है। एक बैलेंस होना चाहिए। इसका ना पूरा, इस टॉपिक का ना, ये पूरा टॉपिक जो है, ये जो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई ऑफ एंड क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इसका एक पूरा का पूरा लेक्चर अलग ही है, क्योंकि इसमें से ना एग्जाम में आएगा ही आएगा, 6 नंबर या फिर 4 नंबर में। ठीक है, इसी एक टॉपिक पर, इसी एक टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 नंबर में। क्या एक टॉपिक, दोबारा समझ लो, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, की मनी की सप्लाई का कंट्रोल, मनी सप्लाई का कंट्रोलर है ये आरबीआई। कितना पैसा इकोनॉमिक में आना चाहिए, कितना पैसा इकोनॉमी में नहीं आना चाहिए, कितना पैसा आना चाहिए, अगर ज़्यादा आ गया तो कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर कम है इकोनॉमी में पैसा तो कैसे बढ़ाया जाए, इन सब की बात किसमें की जाती है? इन सब की बात किसमें की जाती है? आरबीआई में की जाती है। ठीक है, आरबीआई करता है इन सब की बात कि क्या, कि कोई भी पैसा हो, कैसा भी हो, इकोनॉमी में अगर ज़्यादा पैसा आ चुका है तो कैसे उसको कम किया जाएगा, अगर इकोनॉमी में कम पैसा है तो कैसे उसको बढ़ाया जाएगा। ये सब, ये सारी बात किसमें की जाएंगी? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में। क्लियर? अच्छा, तनिषा दीदी पूछ रहे, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। दीदी बताया ना, देखो बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता, जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी, मतलब किसी और बैंक से, सेंट्रल बैंक नहीं, किसी और बैंक से लोन नहीं मिलता अपने ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए, तो वो किसके पास जाती है? वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है और सेंट्रल बैंक उसको लोन देता है। इसलिए कहा जाता है कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता तो लास्ट में उसके पास ऑप्शन बचता है आरबीआई, तो आरबीआई वहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, इसलिए उसे कहा जाता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। चले, बात ये कंप्लीट हो गई कि हाँ करेंसी अथॉरिटी, बहुत सही, उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट भी आ गया। ठीक है, एक पॉइंट रह गया भैया, उसे बताओ। बिल्कुल बताता हूँ, फिर हम ना उसके थ्योरिकल पार्ट को आज क्लियर नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना क्लास लंबी नहीं करेंगे, मुझे पता है, अगर मैं इसके थ्योरिकल पार्ट को पे आ गया तो क्लास बाकी में बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके थ्योरिकल पार्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? करेंसी अथॉरिटी, मतलब पैसे का सारा अथॉरिटी किसके पास होता है? आरबीआई के पास। ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक स्टेट बैंक हो चाहे आपका सेंट्रल बैंक हो, इसका बैंक कौन सा है? आरबीआई है। ठीक है, सभी बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई है। बैंकों का लास्ट ऑप्शन क्या है? आरबीआई। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मतलब उसके जब कभी लोन नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन क्या है? आरबीआई है। ठीक है, अभी मैंने बताया, ये रुको, अभी इसे रुकना है, अभी आपको बताऊंगा इस चीज को। कस्टडी ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब दूसरे कंट्री की जितनी भी करेंसी है, दूसरे कंट्री की जितनी भी करेंसी है, अगर वो इंडिया में आ जाती है तो उसको कस्टडी करना, उसको अपने पास रखना किसके ऊपर है? वो आरबीआई के ऊपर है। आरबीआई सभी कंट्री करेंसी को कस्टडी करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मतलब हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा सप्लाई होना चाहिए उन सब का कंट्रोल आरबीआई करती है। इसका पूरा एक टॉपिक ही अलग है, ये पूरा लेक्चर ही अलग होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ होगा जिसमें इसका कोई क्वेश्चन ना आया हो। सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, घुमा के आता है। ठीक है, घुमा के आएगा ये वाला क्वेश्चन, पर हाँ ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना आया हो। सिर्फ क्या? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखो ये है क्या? क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन बहुत ही बहुत इजी है। ठीक है, आसान भी है बहुत ज्यादा। देखो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यार गलती किया, खाली पेज लिखा ना, फटाफट से आया था आपको ड्राइंग वोइंग बना के। देखो क्लियरिंग हाउसिंग इफेक्ट है क्या? एक सेकंड यार, फिर गायब हो गया ये। हाँ जी, तो क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन है क्या? मैं आपको क्लियर करता हूं अच्छे तरीके से। क्या क्लास ओवर हो गई यार? ये नेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी चाहूँगा। नेट का बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कल तो अच्छा खासा चल रहा था 11th क्लास में, बट आपके लिए आपको मैं थैंक यू करना चाहूँगा सभी को कि आप बने रहते हैं, तुरंत नहीं है यहाँ से। चलिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। चलिए मैं आपको बात कर लेता हूँ क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन की। ठीक है, आप जाइएगा मत, बस ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट है, इसके बाद हम क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद नहीं, मतलब अगले दिन करेंगे, मंडे करेंगे, ट्यूसडे करेंगे, बट अभी नहीं होगी। ठीक है, इसकी इन सभी के बारे में ना थ्योरिकल पार्ट पढ़ेंगे। अभी क्या है, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, उसमें समझ लो ये है क्या। देखो क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन है क्या, ध्यान समझना। एक बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक और बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक PNB। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद कोई मैं कुछ नहीं कराने वाला। ठीक है, ये लास्ट है, बस क्लियरिंग हाउसिंग जो फंक्शन है वो लास्ट आपका फंक्शन है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कराने वाला। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्या है देखिए जी, SBI और PNB दो बैंक है, और ये है पिताजी इनके कौन? आरबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक, दो बैंक लिए हैं, और ये क्या है? आरबीआई है। ध्यान समझना इस चीज को। आरबीआई ने, देखो ध्यान समझना, आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किसी कारण कोई इकोनॉमिक, मतलब उनके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आज के होंगे तो किसी कारण वहां से ले लिए इन्होंने 10,000 रुपए। ये एग्जाम्पल है, इतने छोटे मोटे अमाउंट से नहीं खेलते, ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट से खेलते हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान समझना इस चीज को। PNB ने, मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कितने रुपए लिए लोन के तौर पे? 10,000 रुपए लिए। ठीक है, 10,000 रुपए PNB ने SBI से लिए। मैं पैनल कलर चेंज करता हूँ ताकि शायद आपको दिखे अच्छे तरीके से। अब देखो स्टेट बैंक का कुछ डिपॉजिट पड़ा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए कितना, 9,000 रुपये। इसको PNB के कितने पैसे पड़े हुए हैं? वो PNB ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कितने पैसे लिए थे उधारी के तौर पे? कितने लिए थे? 10,000 रुपये। ध्यान समझना इस चीज को। पीएनबी ने स्टेट बैंक से कितने रुपए उधार लिए थे? 10,000 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, अब स्टेट बैंक के कुछ पैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे आरबीआई के पास, कितने? 9,000 रुपये। ध्यान समझना। और पीएनबी के भी पैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, कितने रुपए? 9,000 रुपये। भाई इन्होंने भी डिपॉजिट कर रखा था, इन्होंने भी डिपॉजिट कर रखा था, मतलब पीएनबी ने भी यहाँ पे डिपॉजिट कर रखे थे आरबीआई में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिपॉजिट कर रखे थे कुछ पैसे यहाँ पे। फिर एसबीआई ने आरबीआई में एक अर्जी डाली। ध्यान समझना, एसबीआई ने आरबीआई में एक अर्जी डाली कि सर पीएनबी ने जो मेरे से 10,000 रुपये लिए थे ना यहाँ पे, है ना, पीएनबी ने जो मेरे से 10,000 रुपये लिए थे अपने इकोनॉमिक क्राइसिस के आने के वक्त, वो मुझे लौटा नहीं रहा। तो आरबीआई यहाँ पे चौधरी, ठीक है, पंचायती लाएगा कि अच्छा ऐसा हो गया है, मतलब पीएनबी जो है वो खेल रहा है क्या, एसबीआई से पैसे ले लिए, अब दे नहीं रहा, अच्छा ठीक है अब मैं कुछ करता हूँ। अब आरबीआई कुछ करेगा, क्या करेगा? अच्छा तेरे ना, आरबीआई बोलेगा कि पीएनबी तेरे कुछ पैसे पड़े हैं मेरे पास, कितने रुपए? 9,000 रुपये। ध्यान समझना इस चीज को। पीएनबी के पैसे आरबीआई में डिपॉजिट पड़े हैं, कितने रुपए? 9,000 रुपये। वो क्या करेगा, इस 9,000 रुपये को उठा के किसको दे देगा? एसबीआई को, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसको दे देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात ये आ जाती है कि सर अभी भी तो 1,000 रुपये रह गए। स्टेट बैंक से कितने रुपये लिए गए थे? 10,000 रुपये। ठीक है, पर स्टेट बैंक को कितने रुपये लौटा दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा? 9,000 रुपये लौटा दिए गए। अभी भी 1,000 रुपये रह गए ना। जैसे ही पीएनबी कभी आगे जाके कभी भी डिपॉजिट करता है, वो उसको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा पैसे हो तो उसको पूरे पैसे मिल चुके होंगे। यही है क्या कि क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो इस चीज को क्लियर कर देता है कि कभी भी अगर किसी 2-3 कोई लफड़ा हो, कभी कोई लोन लफड़ा हो, तो उस चीज को सॉल्व करता है कौन? आरबीआई। ठीक है, मैं आपको दोबारा से कराऊं क्या इस चीज को, मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं क्या आपको ये समझ में आया ये वाला पॉइंट, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, या मैं दोबारा से करा दूं? एग्जाम्पल के थ्रू ही कराऊंगा क्योंकि थ्योरी पार्ट में इसको आज नहीं कराने वाला। बस आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या आपको ये समझ में आया क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। अगर नहीं आया तो मुझे फटाफट से बताएं, तो मैं आपको दोबारा से ही बता दूंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से। आज की क्लास हम इतने ही रखेंगे, थ्योरिकल पार्ट मैं नहीं कराने वाला। अभी और 2 क्लास लेक्चर चलेंगे आपके इस चीज़ के। आ गया ऋतिक को, आ गया, बहुत अच्छे, ऋतिक को आ गया, विशाल को आ गया। जल्दी से मुझे सारे कमेंट करके बताओ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी एक का भी डाउट रहे। जी, राहुल जी भी देख रहे हैं, राहुल भैया भी देख रहे हैं क्लास। जी, सबको आ रहा है। सभी कमेंट करें ताकि मुझे जो जितने 14 बंदे दिख रहे हैं ना, मुझे अभी 14 बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी को आना चाहिए। मैं चाहता कि एक पॉइंट भी रह जाए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको एक पूरा बैच ही लूंगा, अलग से बैच में पूरा लेक्चर ही दूंगा, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई वाला। ठीक है, इस चीज को तो अगर ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, इसका पूरा बैच होगा, इसका पूरा लेक्चर ही अलग होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी एक नहीं आया ना, मैं फिर से कमेंट कर बताइए, मैं फटाफट से बता दूंगा आपको। सबको आ गया, ठीक है। अभी भी सारे कमेंट नहीं आए हैं। चलिए, फिर भी जो कमेंट नहीं कर रहे हैं आई थिंक उनको आ चुका होगा। ठीक है, शर्मा रहे हैं कि बताने में कि हाँ हम नहीं बता रहे, हमें आ गया, नहीं लग जाइए हमें। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो ये क्या थे आपके फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, अच्छा हाँ आ गया, ठीक है। सबको आ चुका है, सब कमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, बात करते हैं। अब कुछ बात करने की वजह नहीं है और क्लास ओवर करने का टाइम आ चुका है। डीसा दिंगरा, क्या आप नए स्टूडेंट हैं या फिर आप हमारे स्टूडेंट हैं या नाम चेंज आ रहा है? आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमारे नए स्टूडेंट हैं या फिर पुराने स्टूडेंट जो किसी का और नाम से आ रहा है। चलिए, तो हमने आज क्या क्या क्लियर किया। हमने आरबीआई के बारे में समझा, आरबीआई की थोड़ी सी हिस्ट्री समझी और फंक्शन समझे। इन सभी फंक्शन को आप ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे, देखो दोबारा दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जब ले लोगे आप इन सबके तो आप ना कभी कभी चलते फिरते एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। सारे पॉइंट्स पढ़ लो, बस थ्योरिकल पार्ट तो मैं कराई दूंगा आपको, बस आपके सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट आते हैं फंक्शन में, ठीक है, सारे पॉइंट हैं। उसके बाद मैं आपको इसके अगले बैच में इसकी सारी थ्योरी कराऊंगा, हर एक पॉइंट की थ्योरी होगी, ठीक है, हर एक पॉइंट की थ्योरी होगी। अच्छा न्यू स्टूडेंट है, चलिए बहुत अच्छे, जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारी क्लास ओवर होगी, बहुत अच्छे भैया, क्लास ओवर हो गई, पता भी नहीं चला। चलिए तो हम कब मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास बताइए? हम मिलेंगे अब मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को आपकी कौन सी क्लास है? आपकी मंडे को अकाउंट की क्लास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके हम सारे थ्योरिकल पार्ट को पढ़ेंगे, डीपली करेंगे, हर एक पॉइंट को निचोड़ेंगे, ठीक है, चूज के निकालेंगे कि आखिर हर एक पॉइंट क्या कहता है। और नेक्स्ट के दो बैच जो होने वाले हैं, दो लेक्चर जो होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि फंक्शन के हम सारी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और जो सेकंड लेक्चर होगा वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखा होगा? उसमें हमने पढ़ना है, उसमें पढ़ना है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, जो कि एग्जाम में 4 या फिर 6 मार्क्स का आता ही आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये आया ना हो, ठीक है। कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए कमेंट कर दो फटाफट से। अच्छा आज के लिए जो जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा प्रॉब्लम आती है नेट की प्रॉब्लम, मैं इसको बहुत जल्द कोशिश करूँगा, 100% कोशिश करूँगा कि ये सॉल्व हो, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ बीच में कि कैसे ये नेट का प्रॉब्लम आ जाता है। इसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप बने रहते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू उसके लिए और लव यू, बाय बाय।